नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किसान जानकारी। मैं अभिषेक आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं और आज हम लेकर आए हैं कई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों कई अपडेट आए हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, आप मेरे देख रहे होंगे स्क्रीन पर किसान जानकारी, ये ब्लॉग पोर्ट बनाया हुआ है मैंने, जो कि कई प्रकार के यहाँ पर अपडेट डालता रहता हूँ किसान भाइयों। और मैं बताना चाहूँ किसान भाइयों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी ने, इन्होंने कई प्रकार के फॉर्म भरवाए किसानों से, जो कि है लाल पीले हरे गुलाबी, इस तरह के जो इन्होंने फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरवाने के बाद में इन्होंने यहाँ पर एक SMS भेजा है किसानों के पास, कई किसानों के पास, लगभग सभी किसानों के पास यहाँ पर SMS भेजा है किसान भाइयों। अभिषेक जी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आपके चालू ऋण खाते में 31/3/2018 को बकाया राशि 38,318 रुपये जमा कर दिए गए हैं, शुभकामनाएं आपका कमलनाथ मुख्यमंत्री जी। इस तरह के SMS आते हैं, फिर कुछ समय निकल जाता है, कुछ समय निकलने के बाद में यहाँ पर कुछ समय के बाद यहाँ पर दूसरा SMS आता है। यहाँ के लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ जाते हैं, लोकसभा के चुनावों की घोषणा भी हो जाती है, इस तारीख को होना है, तो यहाँ पर फिर कहा जाता है किसान फसल ऋण माफ़ी योजना, यहाँ पर कहा जाता है अभिषेक बघेल, श्री बीरन सिंह जी बघेल, यहाँ पर SMS है, जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना में आपका आवेदन मिला है, लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण आपका जो स्वीकार नहीं हो पाया है, चुनाव के बाद शीघ्र किया जाएगा, ठीक है ना, चुनाव के बाद शीघ्र से किया जाएगा, और शुभकामनाएं कमलनाथ मुख्यमंत्री जी। इस तरह के यहाँ पर जो है SMS आ रहे हैं किसान भाइयों के पास में, और जो है गवर्नमेंट इतनी लेट क्यों हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार, इसका कारण तो मुझे भी पता नहीं किसान भाइयों, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश की जो हलचल चल रही है क्या होगा। चलिए दूसरे अपडेट के बाद चलते हैं किसान भाइयों। यहाँ पर दूसरा अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर 160 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर गेहूं पर बढ़ोतरी हुई है किसान भाइयों। यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी मात्र मध्य प्रदेश में, जो भी किसान भाई सुन रहे हैं उनको मात्र मैं अपडेट देना चाहूँगा कि जो है 160 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं पर बढ़ाया गया है, ठीक है, इसे प्रोत्साहन राशि कहा जाए किसान भाइयों। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने पंजीयन करवाए हैं उन किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, पावती जरूर ले लें, उस पावती पर ही ये किसान कोड होता है, उस किसान कोड के द्वारा ही यहाँ पर जो है तुलाई होगी, किसी भी केंद्र पर जाकर तुलाई करवा सकते हैं। और एक और यहाँ पर अपडेट निकल कर आया है, जो है 25 मार्च को यहाँ पर केंद्र यहाँ पर चालू हो जाएंगे गेहूं तुलाई के मध्य प्रदेश में, और ठीक है किसान भाइयों। और एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है किसान भाइयों, वो अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आया है आपको जो सब्सिडी द्वारा यहाँ पर कुछ दिए जाते थे, सब्सिडी द्वारा जो भी यंत्र दिया जाता था या पाइपलाइन दिया जाता था, और जो है कई प्रकार के यहाँ पर यंत्र दिए जाते थे किसान भाइयों, उन पर अभी रोक लग गई है, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता लगने के कारण सर ये वेबसाइट है यहाँ पर काम बंद हो गया है, और जो है चुनाव के बाद इस पर आवेदन कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसमें जो भी अपडेट आएगा पाइपलाइन के लिए मैं यहाँ पर डाल दूंगा किसान भाइयों, ठीक है किसान भाइयों। और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, यहाँ पर जो है, और किसान भाइयों एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है किसान भाइयों, मैं बता दूँ मध्य प्रदेश सरकार जो भी यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर जो है भावांतरण का जो भी पैसा है किसान भाइयों, वो भी आपको ज़रूर मिलेगा किसान भाइयों, लेकिन इसकी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है किसान भाइयों। मैं भी अभी कहना चाहूँगा, जो भी आपका भावांतरण में सोयाबीन ही बेचा हुआ है, या कई भावांतरण में जो भी आपने यहाँ पर भावांतरण किया था, उसके आधार पर जो भी आपको मिलना है भावांतरण योजना के अंतर्गत, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसकी डेट कोई फिक्स नहीं की गई है किसान भाइयों। और मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों, एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है, यहाँ पर जो है 6,000 रुपये सालाना दे रही थी हमारी केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ पर जो है जो यह भी फॉर्म अभी जमा हो रहा है किसान भाइयों, आप अपनी नज़दीकी किसी भी पटवारी के पास पर जाकर यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर जमा अवश्य कर दें किसान भाइयों। और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, दस्तावेज में आपको क्या क्या ले जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों।
और किसान भाइयों, मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरी जो स्क्रीन है उस पर आपको बताया है, केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, 6,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। उसके लिए जो दस्तावेज लेकर जाना है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर बता रहा हूँ, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, नंबर 2 बही की फ़ोटो कॉपी, और नंबर 3 समग्र आईडी की फ़ोटो कॉपी, और नंबर 4 बैंक के पासबुक की फ़ोटो कॉपी, और नंबर 5 मोबाइल नंबर ज़रूर ले जाएं किसान भाइयों। इस पर क्या होता है, अपडेट आता रहेगा, आपका पेमेंट डल गया या नहीं डला किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसी प्रकार का आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। किसान भाइयों, धन्यवाद।